वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके इस प्यारे परिवार पर आज मैं स्वागत करता हूं। आज हम सभी को बताने वाले हैं कि बीपीएससी भर्ती 2023 जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें बीएड वालों के लिए क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उनको क्या काम करना होगा जिससे कि बीएड वालों का रास्ता साफ हो जाएगा और बीएड वाले भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था हमारे पास में, क्या बीएड वाले भी बीपीएससी में टीचर की नौकरी हेतु परीक्षा देने जाएं या नहीं जाएं। उन सभी के आज मैं कमेंट को लेकर के सभी के सामने आया हुआ हूं और जो भी आपके अंदर दिक्कतें हैं वो सभी दिक्कतें आप सभी की ख़त्म हो जाएंगी और बीएड वालों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने भी बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, गवर्नमेंट आपके लिए भी कुछ ना कुछ काम करने वाली है। चलिए देखते हैं पूरी खबर क्या है। तो आइए मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ये खबर हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल की है और इसमें आप सभी को बताया गया है कि किस तरीके से क्या असर पड़ने वाला, उन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपनी खबर स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी क्या बिहार 170,000 शिक्षक भर्ती पर होगा बीएड बीटीसी डीएलएड मामले का असर। जो भी हमारा डिसीजन लिया गया है तो बीएड वाले और बीटीसी और डीएलएड में जो वाले जो वहाँ बीपीएससी में भरे हुए हैं बिहार शिक्षक में 170,000 के पदों पर, उन पर क्या असर पड़ने वाला है उसकी पूरी जानकारी लीजिए। आइए पूरी खबर पढ़ते हैं। बीपीएससी क्या बिहार 170,000 शिक्षक भर्ती पर अभी होगा बीएड बीटीसी डीएलएड मामले का असर, आइए पूरा जानते हैं। बिहार शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं एनसीटीई के दिशा निर्देश पर निर्भर करता है, इस संबंध के आगे एनसीटीई कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर विभाग कोई कार्रवाई करेगा। इनके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो भी एनसीटीई अगर जो भी निर्णय लेता है उसी के निर्णय को माना जाएगा, उसी के आधार पर काम किया जाएगा। यानी एनसीटीई ने अभी तक कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। आगे बात कर लेते हैं कि बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट 2023 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के दिशा निर्देश के आलोक में ही बिहार में प्राथमिक शिक्षक 1 से 5 नियुक्त में बीएड डिग्री धारकों को शर्तों के आधार पर मौका दिया जाता है। इसमें यह शर्त है कि नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। इसी आधार पर पूर्व में बीएड डिग्री करने वाले प्राथमिक शिक्षक बनते थे। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही नियुक्त प्रक्रिया में भी यह प्रावधान लागू होता है। तो आप सभी को बता दें कि इससे पूर्व में जो भर्तियां हुई हैं बीएड वालों की उनमें नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर आप सभी को ब्रिज कोर्स करना होता जिसके माध्यम से आप प्राथमिक शिक्षक बन जाते थे। आगे खबर देख लेते हैं कि इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की ओर से एक मामले में यह निर्णय लेना कि बीएड वाले नहीं सिर्फ डीएलएड वाले डिग्री धारकों शिक्षक बन सकते हैं प्राथमिक के। उच्चतम न्यायालय की इस निर्णय का बिहार में चल रही शिक्षक भर्ती में क्या बदलाव हो सकते हैं के सवाल पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि एनसीटीई के दिशा निर्देश पर निर्भर करता है, इस संबंध में आगे एनसीटीई कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर विभाग कार्रवाई करेगा। वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने रास्ता साफ कर दिया है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले ही कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे, लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति के होने के बाद 2 वर्ष का एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षक में 6 माह का ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। यानी डीएलएड डिग्री धारकों के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को यह संवर्धन कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों हम ये आप सभी को बता दें कि पूर्व में जो भर्तियां हुई थी उनमें ब्रिज कोर्स किया जाता था। ब्रिज कोर्स 6 महीने का होता था। ये कब किया जाता था तो ये जब आपकी नियुक्ति होती थी वहाँ से लगा के 1 से 2 वर्ष के अंतराल में ये कोर्स कर लिया जाता तभी आपको प्राथमिक शिक्षक माना जाता था। और जो जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है डीएलएड तो उसमें ऐसा कोई काम नहीं करना पड़ता था जिससे
उनको प्राथमिक शिक्षक बनने में कोई दिक्कतें नहीं आती थी। तो जितने भी प्रशिक्षु हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी परीक्षा में देने वाले हैं, जो बीएड वाले हैं, तो प्लीज़ सभी से निवेदन करता हूं कि बीपीएससी परीक्षा में सभी लोग शामिल ज़रूर होइए। और जैसे ही एनसीटीई अगर कोई भी निर्देश जारी करता है बीपीएससी परीक्षा के अनुसार लिए, तो मैं आप सभी को तुरंत ही अपडेट कर दूंगा। तो अगर वो सभी अपडेट आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं आगे जैसे वीडियो डालूँ आप सभी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, सभी तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुँचाइएगा। चलिए मैं लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।